हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वसूस पैराडाइज। आज हम मनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल, सिंस हम सबको पता है कि मुंबई में बारिश शुरू हो गई है। बारिशों में कुछ स्पाइसी चटपटा खाने का मन करता है। हम खाएंगे आज मशरूम मटर। पानी हमने बॉईल करने के लिए रख दिया था, मशरूम काट दिए हैं, बड़े वाले मशरूम इंटू 4 पीसेस, छोटे मैंने 2 पीस में डाल दिए हैं। इस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया है, इससे क्या है मशरूम अच्छे से जो है वो साफ हो जाते हैं। पानी में एक बॉईल लाके उसको निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स, गर्म पानी में डालने के बाद ये जो है, ये देखिए, यू कैन सी द वाटर, ये पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया। तो थोड़ा इसको बॉईल लाएं, थोड़ा नमक डाला है इसमें मैंने बीच में, तो जो रॉनेस है और जो स्मेल है मशरूम का वो पूरा निकल जाता है। थोड़ा बॉईल देना है, ये मशरूम इससे प्रॉपरली साफ हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉईल हो गए मशरूम्स, सारी जो गंदगी है मशरूम्स की इसमें आ गई है पानी में। हम जो है अब ये बंद कर देते हैं गैस, और ये जो है मशरूम्स हमने निकाल रहे हैं, गंदगी इसकी उसी में रह जाएगी। ये देखिए सारा जो ब्लैक, ये जो पन है, ये मैंने लगभग 2 पैकेट मशरूम्स लिए थे। ये देखिए प्रॉपरली इसका जो कचरा है मशरूम्स का वो सारा निकल गया है। ये देखिए गाइस, ये हमने दूसरे पैन में तेल ले लिया है, 2 बारीक कटे हुए प्याज इसमें डालेंगे, तेल थोड़ा गर्म हुआ है। ये देखिए ये गए प्याज, इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा नमक, हल्का सा, ज्यादा नहीं, आधा चम्मच, लगभग आधे चम्मच से भी कम, ठीक है। ये देखिए प्याज थोड़े ब्राउन करने हैं, थोड़े से ब्राउन हो जाए फिर हम इसमें टमाटर और बाकी सारे मसाले डालेंगे। ये देखिए गाइस, प्याज थोड़ा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे साथ में मशरूम, पहले टमाटर नहीं डालना। मुझे पता है मैंने आपको पहले वीडियो में बोला हम टमाटर और बाकी चीजें डालेंगे, बट नहीं, इसमें हम मशरूम डालेंगे इसलिए क्योंकि मशरूम्स को भी अच्छे से प्याज के साथ ही हम फ्राई करेंगे, इनको फ्राई करना जरूरी है, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तभी उसमें अच्छा फ्रेग्रेंस आएगा। ये देखिए मशरूम्स हो गए अच्छे से फ्राई, थोड़े थोड़े ब्राउन भी हो गए, इसी के साथ प्याज भी हो गए। हमने प्याज जब थोड़े हल्के लाइट ब्राउन हो गए थे तभी मशरूम डाल दिए थे ताकि दोनों एक साथ जो है वो फ्राई हो जाए। अब इसमें डालेंगे हम मटर और इनको भी थोड़ा अच्छे से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको अभी मटर डालने के बाद थोड़ा हमने अच्छे से सौते कर लिया है, अभी इसको सिम पे करके हम एटलीस्ट 5 मिनट तक इसको ढक के रखेंगे ताकि मटर जो है हमारे गल जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब 5 मिनट हो गए हैं, तो आफ्टर 5 मिनट्स हम देखते हैं हमारे जो मटर हैं वो गल गए हैं कि नहीं। ये देखिए एकदम से गल गए हैं। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, 2 मीडियम टमाटर बारीक कटे हुए, आंच थोड़ी तेज कर लें। इसमें डालते हैं साथ में ही हल्दी, जिससे कि टमाटर जो है जल्दी गल जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 मिनट के लिए हमने इसको ढककर रख दिया है। ये जो टमाटर हमने डाले हैं साथ में हल्दी इसलिए डाली है क्योंकि हल्दी डालने से जो है टमाटर जल्दी गल जाते हैं। नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था इसमें। आइए देखते हैं, 2-3 मिनट हो गए हैं, क्या हो गया हमारे मशरूम मटर को। ये देखिए अभी जो है आज मैंने धीमी रखी थी, टमाटर को थोड़ा प्रेस करके देखते हैं गल गए हैं कि नहीं। ये देखिए थोड़ा तेज कर लें आज, उसमें टमाटरों को अच्छे से भून लेते हैं। देखिए तेज आंच पे टमाटर एकदम गल गए हैं, आज धीमी कर लें। अब इसमें हल्दी तो हमने डाल ही दी है,
ये गए लाल मिर्च पाउडर लगभग 2.5 से 3 चम्मच। ये गया थोड़ा गरम मसाला 1.5 चम्मच। इसको मिक्स कर ले, मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से। आंच धीमी रखें, आंच को तेज ना करें, नहीं तो जो मसाले हमारे एज यू नो जल जाते हैं। ये देखिए कलर भी एकदम मस्त आया है। ये देखिए सी, अब ये पक रहे हैं 2-3 मिनट के लिए। इसको जो है हम ढक के रख देंगे। गाइस 3 मिनट हो गए, देखते हैं कहाँ पहुंची मशरूम मटर। ये देखिए तेल निकल के आ गया, मतलब मसाले भुन गए। ये देखिए अब हम इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग आधी कटोरी। पानी हमने डाल दिया, अब इसको ढक के रख ले तेज आंच पे 2 मिनट के लिए। गाइस 2 मिनट हो गए हैं। सो ये देखिए तेल पूरा बाहर आ गया है। ये देखिए ग्रेवी भी थोड़ी थिक हो गई है, यू कैन सी। अब हम इसे, ये हमने तेज आंच पे ही रखा था, इसे अब बंद कर देते हैं। ये रेडी हो गया है। ये देखिए गाइस, ये रेडी हो गया है, एकदम तैयार है। 2 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रखा था। अब इट इज़ रेडी टू ईट एंड नाउ वी आर डूइंग द सर्विंग। तो गाइज आप ये मशरूम मटर बनाएं, खाएं, एंजॉय कीजिए बारिश के मौसम में। और मुझे बताएं कि कमेंट्स में लिख के कि कैसा लगा आपको ये मशरूम मटर। आप इसको स्टीम राइस के साथ खा सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, द वे यू लाइक इट। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे जितने भी नए नए रेसिपीज आएंगे उनका आपको पता नहीं लगेगा। सो प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन दैट हाउ डू यू लाइक माई रेसिपीज। डू यू वॉन्ट सम मोर रेसिपीज टू सी, एंड वॉट डू यू वॉन्ट टू सी। बाय बाय।